हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9 और हमने नीचे खाना सोनी और उसको भेज दिया है भैया के हाथ। और ये मिश्का तो आपको पता है, मेरा छोटू सा क्रोकोडाइल बना हुआ है। कैची लगती है हमारी मिश्का, प्लीज़ लोग कमेंट करके बताओ। बहुत क्यूट और बहुत प्यारी है और सीधी सी है, किसी से इसको लेना ना देना। ये है मेरा छोटा सा, ये छोटा सा मेरा शैतान बच्चा है। इसकी आंखों से शैतानी झलकती है, हाँ ना। आइए मैं ना आपको ना आज के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो मायरा के बचपन का दिखाऊंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, ये मायरा ही है। मायरा के कलर कितना चेंज हो गया, मायरा बिल्कुल वाइट नहीं थी, मायरा का कलर बहुत ही मिक्स था। और ये देखिए, जब मिश्का एक साथ ही उसकी थी और मायरा आई थी, इन दोनों में फिर एक संग प्यार सा हो गया था। और ये मायरा बिल्कुल फर्श में दिखाई भी नहीं दे रही थी उस टाइम, हमारे फर्श के जैसा इसका कलर था। और फिर भी हमारी मिश्का ने इसको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया था और इसका बहुत ही अच्छा वेलकम किया था। अपनी हर चीज़ इसके संग शेयर करी थी, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं करती थी। हमारी मायरा दी ग्रेट बचपन से ही शैतान थी। अब तो बहुत सीधी हो गई है। मयूर विहार में एक लेडी हस्की डॉग को रखा हुआ है और उसको पूरा खाना नहीं देती ना पानी देती, और धूप में 40 डिग्री से बाहर केज में बंद रहता है। और उसके मालिक जो था, लड़का था, उसकी डेथ हो गई है लीवर फेलियर से, और वो लेडी उस बच्चे को बिल्कुल केयर नहीं कर रही है। अगर एक लेडी जो उसको देती थी खाना, उसको भी उसने गेट बंद कर दिया अंदर से, ताकि कोई उसे बाहर से खाना ना दे सके। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। बेटा फेलियर होकर मर रहा है, मदर एजिड है, पर ये नहीं कि किसी को दे दे या कोई खाना दे रहा तो उसको देने दे, नहीं। रोड छत पे एक केस सामने बंद करके बालकनी में रखा है, 24 घंटे वो बच्चा बाहर धूप में बैठ रहता है डीडी कॉलोनी में। मयूर विहार का केस है। मयूर विहार में बहुत ही ऐसे क्रूरटी केस हो रहे हैं। पुलिस को 4 बार बुलाया है, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे अगर हम बेजुबानों की आवाज़ बनते हैं उसके बाद भी कोई एक्शन पुलिस नहीं लेती, तो फिर क्या फ़ायदा है बता। वो रिपोर्टर कई बार कर चुकी है कोशिश, कुछ भी नहीं हो रहा। खाना देने जाती थी जाली के गेट से, तो अब उस लेडी ने जाली के गेट के अंदर लक्का का गेट बंद कर दिया है। क्या होगा इस बच्चे का आगे, देखिए बताती हूँ। रिपोर्टर बहुत कोशिश कर रही है, दिया है ना पानी दिया है, 12 बज गए हैं, ये आई नहीं है लेडी। इसके लिए खाना नहीं आई हूँ आज। इन आंटी ने अपना लकड़ी का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है और वो बेचारी अंदर बैठी हुई है बहुत देर से, सुबह से 10 बजे से, अब रात के 10 बज रहे हैं। इन आंटी ने जान के आज का ये वाला गेट बंद कर दिया ताकि मैं इसको फीड ना कर पाऊँ। आइए मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। 8 साल का लैब्राडोर है, राजापुरी उत्तम नगर से, 26 अप्रैल से गायब है। अगर ये कहीं दिखे तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें ताकि हम रिपोर्टर को बता सकें। और ये वीडियो आज ही ग्रुप में आया है, तो हमने सोचा हम भी इसकी हेल्प करें। देखिए क्यूट से लैब। ये स्ट्रीट डॉग दोबारा फिर फ्रीडम फाइटर इंक्लेव इग्नो से गायब है। अगर कहीं किसी को दिखे तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि रिपोर्टर को हम बता सकें और ढूंढने में मदद करें। सनी, सुबह सुबह बैठी है सोनी, आओ
सुनाई दे रही, बहरी हो गई क्या बेटा? देखो खाने का वेट कर रही है। देख लिया उसने मुझे, ऊपर देख लिया शोनी ने। ये देखो ये आए कूड़े के चक्कर में खाना खाने के लिए। ये कूड़े वाले भैया आते हैं ना, बस इस चक्कर में सारे के सारे आते हैं। और ये लेडी जाती है ना जो बच्चा लेके जा रही है, उसके पीछे पीछे भी सारे जाते हैं। प्यार करते हैं उन्हीं के पीछे डॉग जाते हैं, नहीं तो कौन जाता है बताओ। खाना खिलाती है ना तो इस पीछे उनके भी जा रहे हैं, उसको छोड़ के आएंगे जहाँ तक रोड पर जाएगी। देखो ये कूड़े वाला खड़ा है, ये देखो दोनों गाय माँ बेटियाँ कैसी भूखी घूम रही हैं। दूध दूध निकालने तक दूध निकाला, उसके बाद इसको छोड़ दिया रोड पे खाने का। चलो ये भैया कुछ तो खिला रहे हैं, आप अपने घर से लेकर आए हैं और दोनों माँ बेटियों को खिला रहे हैं। चलो हर एक इंसान की इंसानियत तो नहीं मरी ना। और ये जो खिला रहे हैं ना, इसको भी लोग बोलने लग जाएंगे, अरे आप यहाँ कूड़ा क्यों फेंक रहे हो, आप इन्हें ये क्यों खिला रहे हो। खुद ना खिलाएंगे और ना करेंगे, पर पैर से लगा के इसने सही नहीं किया। हम सब लोगों को ये चीज़ें ना सोचनी चाहिए कि इनको चलो भूख लगी है तो इनको कुछ खिला दें। शोनी खाने दो उसे, भगवान करे जिन्होंने भी इनको ऐसे रोड पे छोड़ा है उनके बच्चे भी उनके संग करेंगे। आराम से बैठा हुआ देखो ऐसे रोड बाहर पे, बाहर दरवाजे पे। तुम नहीं थे, मैं दो दिन पूरे दिन थी। दिखाओ को देखो कैसी बेचारियां, गंदगी और प्लास्टिक खा रही है। देखना गत बना दिए गायों की, दुख होता है गायों को ऐसा देख के। गाय कैसे जा रही है, भूखा बछड़ा गाय देखना। ये खा रहे दोनों, आज मैं रहेगा कुछ अलग सा खाना खिलाऊं। खा ले, खा लो एक। चार अंडे खिला दिए बेचारी को, आप खाए ना खाए मुझे कोई लेना देना नहीं। वो भी खा रही है, वो तो खा लिया, तुमने खा लिया खाना। पेट भर के खाना खा लिया आपने, चल मैं आ रही उसको। खा ले अगू, खा रहा है, एक डाल दिया, खा ले, खाओ खाओ एक, खा लो खा लो खाओ। चलो इसके भी ना बच्चे हुए हैं, ये बीच में ना काटने लगी थी इसलिए कि इसको डर लगा था पिछली बार की तरह मेरे बच्चों को या तो कूड़े में फेंकना दे या मारना दे। खा ले, आपको दिखा रही हूँ मेरा सामने बैठा है, कौन बैठा है सबको पता है, कोको जी ग्रेट बैठा है मेरा सामने। कोको पूछ अभी आ रही बेटा, खा लो रेने सोनी, खा कंट्रीट खा ले, खा ले। मैंने इसको एग दिया ना तो एग आराम से खा रही, खा ले बच्चे क्या खा ले, और खाएगी। एग बहुत पसंद है तो मैंने सोचा इसको एग ही खिलाओ, इसका जख्म ना ठीक हो गया। इसलिए डोडो कका दो दो अंडे तो एटलीस्ट हम इन्हें खिला ही सकते। ले नहीं खाना, खा लो कहो, नहीं खाना फिर मैं उसको दे देती हूँ। भैया ये नहीं खा रहा, इसके भी अंडे दो आप खा लो, फोर अंडा खा लो मेरा बच्चा। इसको ना अंडे अच्छे लग रहे हैं, अंडे खा रही है, खा ले। इस हीरो को नहीं खाना, इसको मस्ती आ रही है। चलो इसने अंडे खा लिए, खा ले। चलो मैं जा रही बाय, बीच रोड में बैठे, बीच में रोड में बैठे खा ले।
अंडा खाने भी आ रही मैं, हाँ अभी और आ रही हूँ। ये देखना गाय कैसे दूध पिला रही है, पहले इसको दूर से खिलाना पड़ेगा। खा लो बेटा, खा लो खा लो खा लो। चलो खा लो, खाओ दोनों, खा लो खा लो खा लो, मैं जा रही हूँ। जिसने भी इसके गाय के सारे शरीर में दाग दाग कर रखे, जला के मार के, उसके ना भगवान सजा देगा। देखे सारे शरीर में इसके दाग दाग हो गए बेटा, क्यों करते हैं लोग ऐसे। चलो चलो खाना खा लो, खाना खा लो, खाना नहीं खा, खा ले बेटा खा। कोको खा रहा है, खाओ 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 खाओ, उधर खाओ, उसको खाने दे बेटा, उसको खाने दे। कोको पीछे खाना खा रहा है, आप खाने दो उसको, खाने दो। खा ले बॉब, बॉब द बिल्डर, बॉब डरता क्यों बेटा, खाओ खाओ बॉब द बिल्डर, खाना खाओ। वहाँ खा रहा है डोडो, किसी को डोडो नज़र नहीं आ रहा, डोडो का सिर्फ वाइट सा पॉइंट नज़र आता है। डोडो ये देखो, ये खुद बाहर खाना पड़ा है, खा नहीं रहा, इसका खाना खाने के लिए आ रहा है, खा ले चल। नीचे बैठ के कैसे खा रहा है, चलो मैं जा रही हूँ, खा ले। ये बाहर नहीं निकल रही, मैं सोची थोड़ा सा खाना इसको यहीं पर ही दे दूँ, खा ले। ये देखो चुटकुली आ गई है, खुशी खुशी कर ली है। आज के सारे वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे, काव के साथ कैसा हुआ था देख के तब दुख हुआ। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।